फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वेज तहरी, चावल की तहरी कैसे बनाते हैं। ये नॉर्थ इंडियन डिश है, मोस्टली आपकी एमपी यूपी बिहार बंगाल में ज्यादा यूज होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड राइस, रिफाइंड राई हमें चाहिए होगी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया गार्निशिंग के लिए। वेजिटेबल्स में हमें यूज करने हैं आलू, पत्ता गोभी, पालक, गाजर, गोभी। आप लोग चाहें तो और भी वेजिटेबल्स याद ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल तहरी बनाने का जो तरीका वो यही है, इसमें जो सबसे ज्यादा स्वाद डालती है वो बहुत सारी वेजिटेबल्स ही डालती हैं। और हमने ऑनियन काट के रख लिए हैं और हमें चाहिए होगी लहसुन, अदरक और टमाटर। जितनी ज्यादा आप वेजिटेबल्स यूज करोगे उतनी अच्छी आपकी तहरी बनेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने को रख देना है और फिर उसमें राई डाल देनी है। गर्म होते ही आपने इसमें अदरक, लहसुन और प्याज डाल दें। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे आपकी मिक्स करके, और आपने इसमें वेजिटेबल्स डाल देनी है सारी। जितनी ज्यादा आप वेजिटेबल्स यूज करेंगे उतनी टेस्टी आपकी ये तहरी बनेगी। तो चलिए हम इन्हें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। पहले हम इसमें नमक डालने की वजह से सब्जी जल्दी पक जाएगी और आलू भी आपके इजीली पक जाएंगे। हल्की सी आप हल्दी भी डाल देते हैं ताकि वो भी आपकी कच्ची ना रहे और अच्छे से पक जाए। और इसे मिक्स कर लीजिए और मैं भी इसे ढक दे रही हूँ 5 मिनट के लिए। अब मैं इसे हटा ले रही हूँ। अब हमने इसमें टमाटर डालने हैं इस तरह से, और टमाटर के पकने का वेट करना है। आप लोग चाहें तो इसमें हल्की सी वाटर भी डाल सकते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ ताकि सब्जियां और अच्छे से पक जाए। ठीक है, और हम इसे अब ढक देंगे। अब हम चेक करते हैं, 10 मिनट तक मैंने ढक के रखी थी। स्मेल छोड़ रही है सब्जी, खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये अपने राइस मिक्स कर लेंगे उबले हुए इस तरह से। मैंने आपको पहले भी कहा था जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतनी अच्छी आपकी तहरी बनती है। और एक हल्की सी सूखी सूखी नहीं, हल्की हल्की थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है ज्यादा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और लास्ट में अगर आप कोई मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। और आप इसमें, मैं लास्ट में थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, जस्ट पाउडर, और धनिया पत्ता से मिक्स इट वेल अगेन। और अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। आप लोग नमक वगैरह टेस्ट कर लें, मसाला टेस्ट कर लें, आपको जैसा चाहिए होगा। और अब मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। धनिया पत्ता हमने ऐड कर दिया है, देखिए बहुत डिलीशियस लग रही है। नाउ आई एम सर्विंग इट इन अ बाउल इस तरह से। तो ये आपकी वेजिटेबल तहरी विद राइस बिल्कुल तैयार है। बहुत हेल्दी होती है एंड इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज हुई होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।